इंडिया रेलवे फेडरेशन रेलवे में जो हमारे युवा शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है और करीब 7 लाख कर्मचारी इस समय जो है वो युवा भारतीय रेलवे में काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर संगठित करने का काम कर रहा है। और उसी उद्देश्य के चलते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि 17 तारीख को हम लोग एक युवा संगोष्ठी करेंगे वहाँ पर बॉम्बे के अंदर। पूरे देश भर से हमारे युवा साथी वहाँ इकट्ठा होंगे। हम वहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही इसके अपने संगठन के बारे में भी चर्चा करेंगे, युवाओं की भागीदारी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रशिक्षण शिविरों के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले समय में जो रेलवे के सामने चुनौतियां हैं, विशेष तौर पर पुरानी पेंशन बहाली की और जो हमारी समस्याएं हैं, खास तौर पर यदा गदा उठती रहती हैं। हालांकि माननीय मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम रेलों को ये हाथों में नहीं सौंपेंगे, लेकिन रेलवे वर्तमान स्वरूप में रहे, इन सब सवालों को भी लेकर के वहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और मुझे आशा है कि यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहेगा। सारे जो है वो हमारे युवा साथी बहुत तेजी से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जो हमारी एक मजबूत इकाई है और युवा नेतृत्व है वहाँ पर, उसने इसको ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है। वो साथी भी तैयारी में पूरे तौर पर जुटे हुए हैं, तो मुझे आशा है कि ये सम्मेलन बहुत सफल रहेगा। हमने साथ में अपनी वर्किंग कमेटी भी बुलाई है, उस वर्किंग कमेटी में भी हम तमाम विषयों पर चर्चा के दौरान युवाओं को संगठित करने और उनको महत्वपूर्ण भूमिका देने के बारे में विचार